का ब्लस एंड ग्लो फेस वॉश यूज़ करती हूँ बट अभी वो मेरे पास नहीं है वो ख़त्म हो चुका है तो मैंने अभी ऑर्डर किया है वो आया नहीं है तो अभी मैं फिलहाल ये हिमालय का नीम फेस प्योरीफाइंग नीम फ़ेस वॉश यूज कर रही हूँ ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं फेस वॉश पर ज़्यादा मनी स्पेंड नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि फ़ेस वॉश क्या करता है आपके फेस को जस्ट क्लीन करता है वॉश करता है तो मैं कोई भी ऐसा फेस वॉश यूज कर लेती हूँ जो मेरे फेस को बहुत ज़्यादा ड्राई ना कर दे थोड़ा आ, फेस को अच्छा रखे मैं वो फेस वॉश यूज कर लेती हूँ तो अभी के लिए मेरा ये फेवरेट है मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि इससे मुझे कोई रिएक्शन नहीं होता है फेस पे कोई पिंपल्स वगैरह नहीं आते हैं और मेरे फेस को ये अच्छे से क्लीन भी कर देता है तो मैं इसे यूज करती हूँ उसके बाद मैं अपने फ़ेस को पे कोई भी हैंड टॉवल या फिर यूज किया हुआ टॉवेल यूज़ नहीं करती हूँ मैं जनरली टिशू पेपर यूज़ करती हूँ और उसे पैट करके अपने फ़ेस को ड्राई करती हूँ उसके बाद जो मैं अपने फ़ेस पे यूज़ करती हूँ वो मैं ये यूज करती हूँ ये है प्लम का टोनर है ये वाइट टी टोनर है कैमलिन एंड वाइट टी टोनर ये मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली इसके दो वेरिएंट्स आते हैं एक आपको ग्रीन टी में भी मिलता है और एक वाइट टी में भी मिलता है मैं वाइट टी वाला क्यों यूज कर रही हूँ क्योंकि मेरा जो स्किन टाइप है वो नॉर्मल टू ड्राई है तो इसलिए मैं यूज कर रही हूँ जो ग्रीन टी वाला टोनर है वो बेसिकली आपका ऑयली स्किन टाइप के लिए बेटर है तो इस टोनर में ये रिच इन एंटी है तो ये क्या करता है ये आपके फेस को एक सूदिंग कामिंग इफेक्ट देता है रिलैक्स करता है इस फेस को और इसमें जो व्हाइट टी है वो आपके फेस पे जो डार्क स्पॉट्स हैं या कुछ उनको कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है इसके साथ ही साथ ये पैराबींस फ्री है और अल्कोहल फ्री है बेसिकली जब भी आप कोई टोनर यूज करते हो तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि वो अल्कोहल बेस्ड या केमिकल्स वाला टोनर तो नहीं है तो ये चीज़ प्लम का जो भी प्रोडक्ट है वो अल्कोहल फ्री है पैराबीस फ्री है एस फ्री है तो ये यूज करने में आपको कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है तो ये मैं तो इसे हाफ बॉटल में यूज कर चुकी हूँ इसके पहले एक्चुअली मैं टोनर यूज नहीं करती थी मैं टू टू थ्री इयर्स से हमेशा रोज़ वाटर ये यूज करती थी फेस पे टोनर की जगह पे बट अभी मैंने ये टोनर यूज करना स्टार्ट किया है और मुझे इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे लगे हैं अभी ये हाफ़ बॉटल ही खत्म हुआ है तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा है आप देख सकते हो और इसका जो ये है ये आप टिप ऑप्शन है आप लोगों ने बहुत जगह पे ये सुना होगा कि टोनर को लोग क्या करते हैं जस्ट कॉटन लेते हैं टोनर लेते हैं और उसे टैप टैप करके टैप करके लगाते हैं बट मैं ऐसा नहीं मानती हूँ अगर आप टोनर यूज कर रहे हो तो मेरा मानना है कि टोनर आप टोनर को आप फेस पे पूरा अच्छी तरीके से मसाज करो जैसे कि आप मॉइस्चराइजर को करते हो और जब तक वो ड्राई ना हो जाए तब तक आप उसे मसाज करो और फिर छोड़ दो तो वो ज़्यादा बेटर रिजल्ट देता है आपके फेस पर और बेस्ट रिज़ल्ट के लिए आप इसे दिन में दो बार यूज किया करो कोई भी टोनर है और उसके बाद आप मॉइस्चराइजर या सीरम जो भी आप यूज करते हो वो बेसिकली हम टोनर यूज क्यों करते हैं पीएच लेवल को बैलेंस करने के लिए अपने स्किन पे तो अगर आप टोनर यूज कर रहे हो तो इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान देना कि आप जो भी टोनर यूज कर रहे हो मार्केट में तो बहुत टाइप के टोनर हैं वो अल्कोहल फ्री होना चाहिए उसमें कोई अल्कोहल नहीं होना चाहिए सो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टोनर के लिए तो अभी का मेरा फेवरेट ये है नेक्स्ट जो मैं अपने फेस पे यूज करती हूँ आफ्टर टोनर वो है ममा अर्थ का स्किन इल्यूमिनेटिंग फेस सीरम जो विटामिन सी के साथ है एक्चुअली विटामिन सी है इसलिए मैंने इसको लिया है विटामिन सी आपके फेस के लिए बहुत ही अच्छा है जितने भी हमारे फेस पे इन्वायरमेंटल डैमेज होते हैं आप उसे सन की वजह से बोलो या पॉल्यूसन की वजह से बोलो तो विटामिन सी क्या करता है उससे आपके स्किन को से प्रोटेक्ट करता है आपके स्किन को रेडी करता है उनसे फ़ाइट करने के लिए तो विटामिन सी आपके फेस के लिए बहुत ही अच्छा है अगर आपको कोई भी पैसा सीरम यूज कर सकते हो जिसमें विटामिन में सी ज़्यादा हो अभी मैं ये ममा अर्थ का यूज कर रही हूँ और मैंने इसे काफ़ी दिन यूज कर लिया है ऑलमोस्ट ट्वेंटी डेज मैंने इसे यूज किया है और मुझे ये बहुत ही अच्छा लग रहा है और इसमें एक और भी अच्छी बात है कि ममा अर्थ के भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो पैराबिन्स फ्री हैं और एस फ्री है तो मैं नॉर्मली जो भी प्रोडक्ट यूज करती हूँ तो मैं इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि वो केमिकल बेस्ड ना हो लाइक तो इसलिए मैं मम्मा अर्थ प्लम ये सब ब्रांड यूज करती हूँ तो इसका मैंने यूज किया है और मुझे इसका रिव्यू भी बहुत अच्छा लगा है यह आपके स्किन पे एक ग्लो देता है मैंने अभी जस्ट इसे 15 टू 20 डेज़ यूज़ किया है और मुझे खुद ही फील हो रहा है कि मेरे फेस पे एक डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लो दिख रहा है तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ़ ये है तो इसलिए मैंने एक और भी मेरा वीडियो है जिसमें मैंने मम्मा अर्थ का अनबॉक्सिंग किया था उसमें भी मैंने बताया था कि ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट है फ्रॉम मम्मा अर्थ तो अगर आप इसका डिटेल्स चाहते हो तो वहाँ पे देख सकते हो मेरा जो आ, नेक्स्ट है जो मैं यूज कर मैं ये लैक मै का ऑर्गन ऑयल रेडियंस यूज कर रही हूँ ऑयल इन क्रीम तो इसका बेस्ट पार्ट मुझे क्या लगता है एक्चुअली मेरा नॉर्मल टू ड्राई स्किन है जैसा कि मैंने बोला था तो मुझे ये इसका बेस्ट पार्ट यही लगता है कि ये ड्राई स्किन के लिए बेस्ट मॉइस्चराइज़र है इवन अगर आप विंटर में भी इसे सिर्फ यूज़ करते हो और अगर कुछ भी आप उसके ऊपर आपको कोई भी मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है साथ ही साथ ये आपके एक इसमें ऑर्गन uh, ऑयल है तो आपके फेस को ऑयल भी मिल जाता है जैसे नॉर्मली आप कोई भी ऑयल लगा के बाहर नहीं जा सकते हो बट अगर आप ये यूज कर रहे हो तो आपके फेस में ऑयल विथ क्रीम दोनों मिल जाता है और एक डिफरेंट काइंड ऑफ परफेक्ट रेडियंस जैसे इसने बोला हुआ है तो आपके फेस पे एक रेडिस ग्लो आ जाता है ये मैंने खुद ही देखा है तो देखो मैं इतना इसे यूज करती हूँ कि ये बॉक्स पूरा मैंने खाली कर दिया है और इसका दूसरा पैकअप भी मंगा कर रख लिया है तो ये मेरा फेवरेट मॉइस्चराइज़र है अभी काफ़ी टाइम मतलब ऑलमोस्ट थ्री टू फोर मंथ से मैं यही मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ इसके पहले मैं लोटस का मॉइस्चराइजर इसमें इस मॉइस्चराइज़र में विटामिन ई e भी है बहुत ज़्यादा तो विटामिन ई e आपके फेस के लिए बहुत अच्छा है इसका बेस्ट पार्ट ये है कि ऑल स्किन टाइप है बट ये ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है और ये आपके फेस को मॉइस्चराइज करता है नरिश करता है सूतनेस देता है तो इट्स गुड तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा है अच्छा काम उसके बाद अगर आप मेरा डे केयर स्किन रूटीन की बात करो तो मैं ये अगेन मामा अर्थ का सनस्क्रीन यूज करती हूँ जो मैंने बताया था अल्ट्रा लाइट इंडियन सनस्क्रीन विथ कैरेट सीड एंड टर्मरिक जो एस पी एफ फिफ्टी देता है साथ में पी एफ ट्रिपल प्लस का प्रोटेक्शन देता है ये मैंने अभी कुछ टाइम से ही स्टार्ट किया है यूज करना और ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जैसे कि मैंने वो जो मामा अर्थ का हॉल सूट किया था उसमें मैंने बताया था कि ये दोनों मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं मामा अर्थ के तो अगेन ये पैराबींस फ्री होता है और इसमें कोई केमिकल या कलर कुछ भी नहीं डाला हुआ है इसलिए मैं ये इसे यूज़ करती हूँ और मैंने इसे अभी कुछ टाइम ही यूज़ किया है और मुझे बहुत अच्छा लगता है नॉर्मली जो भी सनस्क्रीन होता है क्या होता है बहुत ज़्यादा थी थिकनेस होता है उसमें और एक फ़ाइन लाइन्स टाइप हो जाते हैं फ़ेस पे आफ्टर सम टाइम बट जब मैंने जब से ये यूज करना यूज करना स्टार्ट किया है तब से मैं देख रही हूँ ये बहुत ही लाइट वेट है अगर आप चाहो तो मैं आपको दिखा सकती हूँ ये मैंने लिया हुआ है ये आप देख सकते हो ये ये एक आपके फेस पे एक ग्लो भी देता है और ये बहुत ही लाइट वेटेड है ये पूरा फेस में एब्जॉर्ब हो जाता है इट्स लाइक मॉइस्चराइजर तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था तो इसे मैं काफ़ी टाइम से यूज कर रही हूँ लाइक मामा अर्थ का जब मैंने प्रोडक्ट हॉल किया था तो उसके पहले ही मैंने इसे यूज करना स्टार्ट कर दिया था तो ये मैं अभी तक यूज़ कर रही हूँ और मुझे लगता है मैं इसे काफ़ी टाइम तक यूज़ करने वाली हूँ तो मेरा जो नाइट के रूटीन है वो ऑलमोस्ट सेम है लाइक नाइट में भी अगर मैं कुछ भी यूज़ करती हूँ तो उसके पहले मैं अपने फ़ेस को हिमालय के क्लिनजिंग मिल्क यूज करके अपने फेस को कॉटन से क्लीन करती हूँ अभी मैं हिमालय यूज कर रही हूँ उसके पहले मैं आयूर का यूज़ करती थी तो आप कोई भी यूज कर सकते हो जो भी आपके पास अवेलेबल हो नहीं है तो आप अपना फ़ेस वॉश भी यूज़ कर सकते हो और उसके बाद मैं अपने फेस को टोनर सेम टोनर मैं प्लम का टोनर ही यूज़ करती हूँ और उसके बाद मैं रात को भी सीरम यूज करती हूँ अगर बहुत टाइम नहीं भी यूज कर पा मतलब डेली बेसिस पे मैं इसे यूज नहीं कर पाती नाइट में बट ये बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको डेली बेसिस पे यूज करना है टू टाइम्स ये बोथ टोनर बोथ टोनर एंड सीरम बट मैं नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे अंडर आई है तो मुझे उसके लिए कभी ओवरनाइट नाइट में कोई ऑयल या समथिंग जैसे अभी मैं बादाम का तेल लगा के रात को सोती हूँ विथ विटामिन कैप्सूल तो उससे क्या होता है कि वो मैंने आपको अपने एक वीडियो में बताया था डार्क सर्कल रिड ऑफ़ डार्क सर्कल्स उसमें बताया था कि ये बहुत अच्छा है और ये सच में मैं करती हूँ तो मैं रात को विटामिन कैप्सूल और विथ बादाम का तेल ये दोनों मिक्स करके रात को लगा के ओवरनाइट के लिए छोड़ देती हूँ अब मेरे ऊपर विजुल रिजल्ट्स भी हैं तो मैं कभी ये करती हूँ या फिर अगर नहीं करती हूँ तो मैं फिर वो सीरम टोनर अपना पूरा रूटीन फॉलो करती हूँ बट मैं मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन नहीं यूज़ करती हूँ नाइट में मैं नाइट में नाइट क्रीम यूज़ करती हूँ मैं अभी लोटस का नाइट क्रीम यूज कर रही थी बट अभी वो मेरे पास ख़त्म हो चुका है तो वो मेरे पास नहीं ंग दिस वीडियो एंड इफ यू डोंट वॉन्ट टू मिस एनी ऑफ माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो सो तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय